जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों हमारे भारतीय संविधान में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे बताया गया है और भाग 4 यानी पार्ट 4 में निर्देशक तत्वों के बारे बताया गया है। चलिए एक एक करके हम इनमें जो कॉमन डिफरेंस है उनको समझते हैं। जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जो संविधान सभा थी उसमें चर्चा थी कि ये जो मूल अधिकार है और निर्देशक तत्व है इनको अलग अलग क्यों किया जा रहा है। तो इसके पीछे एक बिल्कुल सिंपल सा कारण है कि जब हमारा भारतीय देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे भारतीय देश में इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे कि ये सारी की सारी जरूरतें जो नीति निदेशक तत्वों में रखी गई हैं कि उन सारी की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो ऐसा क्या किया गया कि इनको एक अलग पार्ट में रख दिया गया और जब ये कहा गया कि जब राज्य के पास यानी भारत देश के पास संसाधन होंगे तो जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे इनकी जरूरत होती जाएगी इनको हम मूल अधिकारों के बराबर लाते जाएंगे या हम इनको क्या करेंगे, इनको लागू कर देंगे। तो इसलिए इनको अलग अलग रखा गया। अब देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ये नकारात्मक है, मतलब नकारात्मक से यहाँ पे नेगेटिव से मतलब नहीं है। नकारात्मक यहाँ पे किस वे में लिखा गया है कि ये राज्य के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप किसी के अधिकार नहीं छीन सकते, ठीक है। फिर निदेशक तत्व ये सकारात्मक है, मतलब ये राज्य को प्रेरणा देते हैं कि आप जब भी कोई नीति बनाए, सरकार जब भी कोई नीति बनाए तो नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाए ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सके। फिर ये न्यायोचित होते हैं और ये गैर न्यायोचित है। इसका क्या अभिप्राय है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड किए हैं। अगर सरकार या कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है या किसी के फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। जैसे आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, और आर्टिकल 226 यानी 226 का यूज करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये गैर न्यायोचित है, मतलब अगर इनको सरकार न माने तो इनके अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे नीति निदेशक तत्वों का हनन हुआ है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, ठीक है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो शब्द, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ये कानूनी रूप से मान्य है, मतलब इनके पीछे कानून है कि अगर इनको फॉलो नहीं किया गया तो उसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाया गया है। लेकिन ये जो नीति निदेशक तत्व है ये राजनीतिक एवं नैतिक मान्यता प्राप्त है, ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, अब जैसे आजकल क्या आर्टिकल जो 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे बहुत चर्चा चल रही है। अगर वो कानून बन जाता है तो फिर वो कानूनी रूप से मान्य होगा, लेकिन अभी वो 44 जो है वो नीति निदेशक तत्व में है। तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि उस समय देश इसके लिए तैयार नहीं था। तो सरकार ने उस समय जो संविधान बनाया गया उस हिसाब से क्या सोचा गया कि जैसे फ्यूचर में इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाएगी और जब इसकी आवश्यकता होगी तो इसको हम कानून बना सकते हैं, इसलिए उसको नीति निदेशक तत्व में रख दिया गया था। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं कि जो मूल अधिकार है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं और ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं, मतलब ये जो व्यक्तिगत तौर पे लागू होते हैं लेकिन ये सारे के सारे समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये स्वतः लागू है, ये स्वतः लागू नहीं होते। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय जो मूल अधिकार बनाए गए वो स्वयं ही लागू हो गए, लेकिन ये अभी लागू नहीं है। अगर इनको लागू करना है तो इनके लिए कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगले वाला देखते हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि क्या कहा गया है कि सरकार जो है किसी के मूल अधिकार को नहीं छीन सकती, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा कानून सरकार द्वारा बना दिया गया कि उससे किसी व्यक्ति या समाज के जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं व्यक्ति को उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड, मतलब अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। तो यह है मूल अधिकार और ये हो गए नीति निदेशक तत्व। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।